खा गया बेटा? हाँ माँ। आजा आजा। कोई आया था क्या माँ? हाँ बेटा, वो पड़ोस की गीता और सुष्मिता है ना, वो आई थी। वाह, इनका तो काम ही इधर का उधर करना, उधर का इधर करना। बेटा तू हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आप क्यों खाना लगाएंगे? सिमी कहाँ है? वो बेटा थोड़ा सा। सिमी, 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 सिमी। आप वो आप कब आए? ये क्या, तुम्हें आराम कर रही हो और माँ बाहर काम कर रही है? तुम्हें पता है ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती अभी। हाँ, पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई। मैं अभी कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम आराम करो। क्या माँ? तुम्हें पता है बेटा, सिमरन मेरा कितना ख्याल रखती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले नाश्ता, दोपहर का खाना तैयार करके जाती है, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, पर कभी कोई शिकायत नहीं की कि उसकी सास कुछ नहीं करती। और ऑफिस से आने के बाद भी घर का सारा काम करती है। ये सब काम बेटा मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। जब ये मेरा इतना ख्याल रख सकती है तो क्या मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती? सिमरन बहू से बेटी कब बन गई पता ही नहीं चला। मम्मी, सॉरी सिमरन, मुझे पता नहीं था। तुम आराम करो, मैं बाहर का काम निपटा लेता हूँ। और वो दवाई ले ली ना तुमने? ली है और मुझे ठीक लग रहा है, मैं कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल काम नहीं करोगी, अभी आराम करोगी, मैं काम निपटा के अभी आता हूँ। मम्मी नहीं, चलो आराम करो, लेट जाओ, चलो लेट जाओ। दस बज गए, ऑफिस भी जाना है, इतना लेट हो गया, घर का सारा काम पड़ा हुआ। अरे मम्मी, अब वो आज ना उठने में देर हो गई, दवाई खाई तो मेरी नींद ही नहीं खुली, और नाश्ता खाना सब रह गया है। आकाश चले गए क्या? बेटा आकाश चला गया है और मैंने नाश्ता खाना सब तैयार कर लिया है, तुम परेशान मत हो, और उसे दे भी दिया है। मम्मी आपने क्यों किया, एक बार मुझे जगा देती, बोल देती ना। ये बेटा, अरे तुम्हें तो अभी भी बुखार है। हाँ जाओ जाके आराम करो, और आज ऑफिस भी नहीं जाना है, जाओ। मम्मी ऑफिस जाना पड़ेगा, आज बॉस को ना ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करनी है, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। एक मिनट मम्मी, मेरा फोन। सर, हेलो। जी सर, सिमरन आज रिपोर्ट सबमिट करना है अपने को, तो आज एक घंटा जल्दी आना पड़ेगा ऑफिस में। सर वो क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कल से फीवर है और अभी भी फीवर है, तो इसलिए मैं। मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम तुरंत आ जाओ ऑफिस। ठीक है सर, आती हूँ। मुझे फोन दो मम्मी, फोन दो मुझे। हेलो, मैं सिमरन की माँ बोल रही हूँ। आज वो ऑफिस नहीं आएगी, उसे बुखार है। और आप कैसे बॉस हैं जो अपने एम्प्लॉय की फिक्र नहीं करते? वो सारा दिन ऑफिस में काम करती है, ऑफिस से घर आने के बाद भी वो ऑफिस का काम करती है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने एम्प्लॉय की चिंता करें?
जरा सिमरन को फोन देंगे आप? जी ये लीजिए। जी सर। ओह सॉरी सिमरन, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट दैट यू हैड फीवर। यू डू वन थिंग, यू कैन टेक अ लीव टुडे और आप रिपोर्ट बनाकर मुझे मेल कर देना। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक्स, ओके बाय। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा घर से काम करो और आराम करो। थैंक यू मम्मी। मम्मी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात बेटा? कल जब गीता और सुष्मिता आंटी हमारे घर आई थी और वो हमारे खिलाफ आपको भड़का रही थी, तो आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो कितना कुछ अगेंस्ट बोल रही थी हमारे, कह रही थी तो अपनी बहू को ना ज्यादा सर पर मत चढ़ाना, ऑफिस जाती है तो क्या हुआ, एसी में बैठकर ही तो काम करती है। घर आएगी और कहेगी कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और इसी बहाने वो तुमसे सारे काम करवा लेगी। वो इतना कुछ बोल रही थी मेरे बारे में और आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्यों मम्मी? तो बैठो, मैं बताती हूँ। बैठो बैठो। वो क्या है ना बेटा, गीता और सुष्मिता ना तो अपनी बहुओं को अपनी बेटी मानती हैं और ना ही उनकी बहुएं उसे अपनी माँ। और अगर मैं उनके सामने ये जताऊं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो तो उन्हें जलन होती है, क्योंकि उनके पास तुम्हारे जैसी बहू नहीं है ना जो बेटी जैसा ख्याल रखे। वो हमारे प्यार भरे रिश्ते को देखकर दुखी होती और हमारा रिश्ता खराब करने की कोशिश करती। और जब उनके सामने ये जताती हूँ कि मैं तुम्हारी सास जैसी हूँ तो ये देखकर उन्हें खुशी होती है। और अभी बॉस के सामने? बेटा बॉस के सामने मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ जैसी फिक्र करती हूँ। बेटा तुम मेरी बहू होके बेटी बन सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी सास होके तुम्हारी माँ नहीं बन सकती? हम